प्रश्न 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए जब गुब्बारे की स्थिति ए और लड़की की स्थिति आर है, तब लड़की की आंख ओ से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा क्षैतिज दूरी ए बी तय करने उपरांत जब गुब्बारे की स्थिति बी है, तब लड़की की आंख ओ से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्नानुसार कोण ए ओ पी बराबर है 60 डिग्री के और कोण बी ओ क्यू बराबर है 30 डिग्री के। लड़की की लंबाई ओ आर बराबर है 1.2 मीटर के। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई ए एस बराबर है बी टी के, जो कि बराबर है 88.2 मीटर के। इसलिए लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई ए पी बराबर है ए एस घटा पी एस के, जो कि बराबर है ए एस घटा ओ आर के, जो कि बराबर है 88.2 घटाव 1.2 के, जो कि बराबर है 87 मीटर के। उसी प्रकार बी क्यू बराबर है 87 मीटर के। समकोण त्रिभुज ए पी ओ में ओ पी बटा ए पी बराबर है आधार बटा लंब के, जो कि बराबर है कोट 60 डिग्री के। मान स्थापित करने पर ओ पी बटा 87 बराबर है 1/√3 के, अर्थात ओ पी बराबर है 87/√3 के, जो कि बराबर है 87/√3 × √3/√3 के। परिकलन करने पर हमें प्राप्त होता है ओपी बराबर है 87/√3/3 के, जो कि बराबर है 29/√3 के। इसलिए ओपी बराबर है 29/√3 के। इसे समीकरण 1 माने। समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी में ओ क्यू बटा बी क्यू बराबर है आधार बटा लंब के, जो कि बराबर है कोट 30 डिग्री के। मान स्थापित करने पर ओ क्यू बटा 87 बराबर है √3 के। परिकलन करने पर ओ क्यू बराबर है 87/√3 के। इसे समीकरण 2 माने। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ए बी बराबर है पी क्यू के, जो कि बराबर है ओ क्यू घटाव ओ पी के, जो कि बराबर है 87/√3/29/√3 के, जो कि बराबर है 58/√3 के।
जो कि बराबर है 58 × 1.732 के, जो कि बराबर है 100.456 मीटर के। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 100.456 मीटर है। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel. For more details, visit www.unfoldyou.com.